कमर लानी मारा बौरो पानी लागे रे पतली कमर लानी मारा बौरो पानी लागे रे देसी सालो रमले सॉरी मारी नजर हाँ मेरे देसी सालो रमले सॉरी मारी नजर हाँ मेरे। दोस्तों आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको अलर्ट मोशन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में या प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर दोस्तों चैनल पर नए और पहली बार चैनल देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हमें इंस्टाग्राम पर स्क्रीन शॉट लेकर सेंड कर दीजिएगा, हम समस्या का समाधान जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अलर्ट मोशन ऐप ओपन करते हैं। दोस्तों अलाइड मोशन ऐप ओपन करते ही कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लीजिएगा प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा बीट मार्क की और शेक इफेक्ट की और PNG इमेज की, इन तीनों को आपको दोस्तों इस तरह से ऐड कर लेना। अगर इस तरह से आपको ऐड करते नहीं आता, उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा ऑलरेडी, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इफेक्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, इफेक्ट कैसे ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ तक इस तरह से वेरीफाई आपको कर लेना है, ठीक है। इस तरह वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा बीट मार्क बाय एडिटिंग, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। बीट मार्क पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा, आपके सॉन्ग भी आ जाएगा और इस तरह से मार्क किया हुआ भी आ जाएगा, कुछ भी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको इधर फर्स्ट में आ जाना, फर्स्ट में आने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा प्लस मिल जाएगा ये वाला, यहाँ पर प्लस पर आपको क्लिक कर देना। प्लस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा, देख लीजिएगा दोस्तों इस तरह से खुल के आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा मीडिया का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ये वाला, आपको यहाँ पर मीडिया पर क्लिक कर देना। मीडिया पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए मैंने पिक्सेल ऐप ऑलरेडी खोल रखा है, इस तरह पिक्सेल ऐप लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा। इस तरह सारे फोल्डर आपके खुल के आ जाएगा, जहाँ भी फोटो हो वीडियो हो कुछ भी हो वो फोल्डर इस तरह से खुल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस तरह आने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा आपको जहाँ भी फोटो वाला फोल्डर आपको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको यहाँ से देख लीजिएगा फोटो पर क्लिक कर देना। इस तरह फोटो पर क्लिक कर देना, उसके बाद आपको कुछ इस तरह से अपना फोटो दिख रहा, इस तरह फुल साइज में दिख रहा, ठीक है। फुल साइज में करने के लिए आपको यहाँ पर देख लीजिए थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपका इंटरफेस खुल के आ जाएगा फिर से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर और चार नंबर और पांचवें नंबर पर आपको फिल कॉन्फर्मेशन एरिया का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ये वाला, देख लीजिएगा आपको यहाँ पर, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। इस तरह क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से अपना फोटो फुल साइज में हो जाएगा, देख लीजिएगा इस तरह हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा ये वाला एरो का ऑप्शन मिल जाएगा, ये इस तरह से तीर सा छोटा तीर तरफ, इस पर आपको एरो पर क्लिक कर देना। इस तरह क्लिक कर देना, उसके बाद ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा ट्रिम टू राइट का, ठीक है। इस तरह से इस पर क्लिक करना, क्लिक कर दिया कुछ इस तरह से, यहाँ से पीछे का पार्ट था वो डिलीट हो गया, ठीक है, बाकी का फालतू बचा था वो डिलीट हो गया। उसके बाद आपको खाली जगह में कहीं पर भी टच कर देना, ठीक है। टच करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से आपको प्लस का ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको मीडिया का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। मीडिया पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से दूसरा इमेज इस तरह ले लेना, उसके बाद थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद फिल कॉम्प्रोमेशन एरिया का ऑप्शन मिल जाएगा पाँचवें नंबर पर, ठीक है। इस पर क्लिक करके इस तरह फुल साइज में कर देना फोटो, ठीक है। फुल साइज में करने के लिए आपको यहाँ पर एरो पर क्लिक कर देना, इस पर एरो पर क्लिक कर देना, उसके बाद ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा ट्रिम टू राइट कट का, ठीक है। इस पर क्लिक करके कट कर देना, उसके बाद खाली जगह में कहीं पर भी टच कर देना, फिर से आपको प्लस पर क्लिक कर देना और यहाँ पर मीडिया पर क्लिक कर देना। यहाँ से आपको तीसरा इमेज इस तरह से लेना, उसके बाद थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन मिल जाएगा ये वाला, यहाँ पर क्लिक कर देना और आपको फिल कॉम्प्रोमेशन एरा पाँचवें नंबर पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको तीर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से कट कर देना, कट कर दे। उसके बाद फिर से आपको प्लस पर क्लिक करके इस तरह चौथा इमेज लेना। इस तरह से दोस्तों आपको लास्ट तक फोटो ऐड कर लेना, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी लास्ट तक ऐड करके आपको बता देता हूँ। अगर दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना। और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो हम इंस्टाग्राम पर स्क्रीन शॉट लेकर सेंड कर देगा, समस्या का समाधान जरूर बताएंगे। और हमारे ब्लॉग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और जो सेकंड चैनल है हमारा रितेश टेक्निकल रितेश, उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसमें भी डेली वीडियो अपलोड हो रहे अभी, ठीक है। मैं उस पर काम करूँगा, ठीक है दोस्तों अभी, तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी लास्ट तक फोटो ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिएगा मैंने इस तरह से लास्ट तक फोटो ऐड कर ली है, आपको भी इस तरह से लास्ट तक ऐड कर लेना, ठीक है। ऐड करने के बाद आपको इस तरह से बैक चले जाना, बैक यानी पीछे चले जाना। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा शेक इफेक्ट बाय एडिटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है।
क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों, देख लीजिए कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको लास्ट वाला फोटो मिल जाएगा, ये वाला आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये वाला देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर क्लिक कर देना, सिंपली क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये वाला इस कोने में देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए कॉपी इफेक्ट नाम का ऑप्शन खुल के आ जाएगा, इस कॉपी इफेक्ट पर क्लिक कर देना, इस तरह कॉपी कर लेना। उसके बाद इस तरह से आपको बैक चले जाना, ठीक है, बैक गए। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा बीट मार्क पर एडिटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। सो क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ऊपर उठा लेना, पहले तो ऊपर उठा लेना। उसके बाद आपको इस तरह से आगे खींचना है दोस्तों, इस तरह से आपको खींचना और आगे आ जाना, इस तरह से आपको और आगे आ जाना, ठीक है, देख लीजिएगा। इस तरह से और खींचना है आपको, और खींचना इस तरह से आपको आगे आ जाना, यहाँ तक आ जाना, देख लीजिएगा आपको 23.6 देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको टाइमिंग दिख रहा है इस तरह से 23.6 देख लीजिएगा, 23.6 सेकंड इसका इस तरह से दिख रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, इस फोटो पर आपको क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये वाला आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। सिंपली क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इस कोने में, ये वाला आपको इस कोने में क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट का नाम का ऑप्शन खुल के आ जाएगा आपके सामने, ठीक है, ये वाला आपको इस पर क्लिक कर देना। इस तरह पेस्ट इफेक्ट हो गए, उसके बाद खाली जगह कहीं पर भी मिले वहाँ टच कर देना। उसके बाद देख लीजिएगा कुछ इस तरह से अपनी इफेक्ट ये ऐड हो चुकी है, देख लीजिएगा कुछ इस तरह से इफेक्ट ऐड हो चुकी है। उसके बाद इस तरह आपको फिर से बैक चल जाना और आपको यहाँ पर देख लीजिए शेक इफेक्ट बाय एडिटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना, क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर देख लीजिएगा एक नंबर और दो नंबर ये बीच वाला फोटो देख लीजिएगा, इस फोटो पर आपको क्लिक कर देना, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट नाम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ये वाला आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से कॉपी इफेक्ट कर लेना, इस तरह कॉपी कर लेना। उसके बाद इस तरह से आपको बैक चले जाना, ठीक है, और आपको बीट मार्क बाय एडिटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से उंगली से उठाना, ठीक है, इस तरह उठा लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको पहले नंबर फोटो पर क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट नाम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये वाला आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ये वाला आपको यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा पेस्ट इफेक्ट नाम का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना। उसके बाद आपको खाली जगह में कहीं पर भी टच कर देना। उसके बाद इस तरह से आपको आगे आ जाना, देख लीजिएगा इस तरह से आपको आगे आ जाना, 2 सेकंड आपको यहाँ पर दिख रहा है 2.00 इस तरह से आ जाना, और यहाँ पर इस फोटो पर आपको क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट पर क्लिक करना, थ्री डॉट बिंदु पर क्लिक, आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना। उसके बाद खाली जगह में आपको टच कर देना। उसके बाद फिर से आपको आगे आ जाना, 3.27 आपको यहाँ पर टाइमिंग दिख रहा है, इस तरह आ जाना, और इसमें भी ये वाला इफेक्ट आपको ऐड कर लेना, ऐड कर ले। उसके बाद खाली जगह में टच कर देना। उसके बाद फिर से आपको आगे आ जाना, यहाँ तक दीजिए 5.25, और इसमें भी ये वाला इफेक्ट ऐड कर लेना, ऐड कर ले। उसके बाद फिर से आपको 2 फोटो छोड़ देना और यहाँ तक आ जाना 7.22, इसमें भी ये वाली इफेक्ट आपको दोस्तों ऐड कर लेना, ऐड कर ले। उसके बाद फिर से आपको दोस्तों देख लीजिए 2 फोटो छोड़ के यहाँ तक आ जाना 9.20 टाइमिंग आपको देख लीजिए यहाँ पर आ जाना, और इसके बाद इसमें भी इफेक्ट ऐड करके यहाँ तक आ जाना 11.17, इसमें भी ये वाली इफेक्ट ऐड कर लेना। उसके बाद फिर से आपको 2 फोटो छोड़ के 13.15 तक आ जाना, और इसमें भी दोस्तों ये वाली इफेक्ट आपको ऐड कर लेना, ऐड करने के बाद यहाँ तक आ जाना 15.13, और इसमें भी दोस्तों ये वाली इफेक्ट ऐड कर लेना, ठीक है। ऐड करने के बाद फिर से आपको 2 फोटो छोड़ के 17.10 सेकंड आपको आ जाना, और इसमें भी ये वाली इफेक्ट आपको ऐड कर लेना दोस्तों, ठीक है, ऐड कर ले। उसके बाद फिर से आपको 19.98 सेकंड इस तरह से आ जाना, और इसमें भी ये वाली इफेक्ट आपको ऐड कर लेना, ठीक है, ऐड कर ले। उसके बाद ये वाले फोटो आ रहे हैं, देख लीजिए इनको छोड़ देना, और यहाँ तक आ जाना आपको देख लीजिए 25.2 सेकंड, और इस फोटो पर क्लिक करके इसमें भी ये वाली इफेक्ट आपको ऐड कर लेना दोस्तों, ठीक है, ऐड कर ले। उसके बाद आपको यहाँ तक 26.29 सेकंड आ जाना, और इसमें भी ये वाली इफेक्ट आपको ऐड कर लेना, ठीक है, ऐड कर ले। उसके बाद फिर से आपको देख लीजिए यहाँ पर लास्ट वाला फोटो आएगा 28.26 वाला, ठीक है, इस लास्ट वाले फोटो में इफेक्ट ऐड हो चुकी है। उसके बाद फिर से आपको बैक चल जाना और आपको चेक इफेक्ट बाय एडिटिंग, इस पर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपको पहले नंबर फोटो पर क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके थ्री डॉट बिंदु पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कॉपी इफेक्ट कर देना, इस तरह से कॉपी इफेक्ट कर देना। उसके बाद फिर से आपको बैक चल जाना, ठीक है, बैक गए। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लीजिएगा बीट मार्क बाय एडिटिंग, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है, इस तरह क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ इस तरह ऊपर उठा लेना और यहाँ तक आ जाना, देख लीजिएगा 1.1 सेकंड आपको टाइमिंग दिख रहा है, इस तरह आ जाना। उसके बाद आपको यहाँ पर इस फोटो पर क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद थ्री डॉट बिंदु का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको पेस्ट इफेक्ट कर देना। उसके बाद खाली जगह में आपको टच कर देना, फिर से आपको इस तरह से आगे आ जाना दूसरे नंबर फोटो, इसमें क्लिक करके इसमें भी दोस्तों इफेक्ट ऐड कर लेना, ऐड कर ले। उसके बाद एक फोटो ये अपन इफेक्ट ऐड कर ले, इसको छोड़ देना,
ठीक है। और यहाँ तक आ जाना 2.28 और इसमें भी ये वाले इफेक्ट ऐड करना। इस तरह से दोस्तों जितने भी अपन ने दो दो फोटो छोड़े थे और एक एक फोटो में इफेक्ट लगाए थे, एक एक फोटो छोड़ देना और दो दो फोटो जो छोड़े थे अपन ने, उन सारे फोटो में ये वाले इफेक्ट आपको लास्ट तक ऐड कर लेना। और जितने भी फोटो छूटे ना अपने बिना इफेक्ट वाले, उन सारे फोटो में ये वाले इफेक्ट आपको ऐड कर लेना, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। दोस्तों अगर दोस्तों चैनल पर नए और पहली बार चैनल देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके जरूर बताना। कुछ भी प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दीजिए, समस्या का समाधान जरूर बताएंगे। तो दोस्तों मैं सारे फोटो में इफेक्ट ऐड कर लेना, ठीक है। ऐड हो जाए उसके बाद इस तरह से बैक चले जाना और आप PNG इमेज पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो दोस्तों PNG पर इमेज पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए, पहले नंबर पर इस तरह से दबा रखना, ठीक है। यहाँ पर दबा रखना है, इस तरह क्लिक करके दबा रखना तो कुछ इस तरह से राइट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्लिक कर देना ओनली, ठीक है। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पर क्लिक कर देना, उसके बाद ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर देख लिया कॉपी 3 लेयर का ऑप्शन मिलेगा, इस तरह कॉपी कर लेना। उसके बाद इस तरह से आपको बैक चल जाना, आपको बिट मार्कर बाय थ्रेडिंग इस पर आपको क्लिक कर देना दोस्तों, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपको, इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देख लीजिए पेस्ट 3 लेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको चौथे नंबर पर, ठीक है। इस पर क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से अपना ऐड हो चुका। उसके बाद आपको इस तरह से लास्ट तक चले जाना, ठीक है। इस तरह से आपको खींचेगा तो इस तरह लास्ट तक आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर ऊपर ऊपर क्लिक कर देना, क्लिक करने के बाद ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना, इस तरह से ऐड हो जाएगा। उसके बाद खाली जगह में टच करना, उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर क्लिक कर देना। उसके बाद ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके इस तरह से लास्ट तक ऐड हो जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर क्लिक करके इसमें को भी कर देना, ठीक है। तो अपनी वीडियो अभी बन के तैयार हो चुकी है, ठीक है। इसको स्पॉट यानी गैलरी में सेव करने के लिए आपको यहाँ पर तीर पर क्लिक कर देना, ठीक है, और आपको स्पॉट पर क्लिक कर देना, वीडियो अपनी गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो अगली वीडियो हम जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।